हेलो स्टूडेंट्स, स्पेशली आवर चिल्ड्रेन ऑफ चैतन्य. नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर इम्पॉर्टेंट अवर सिलेबस ऑफ एम 4 एंड 5 फ्रॉम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव टेक्नो सिलेबस वॉल्यूम पार्ट 2 पेज नंबर 90. तो आज के इस क्लास में हम लोग एम 4 और एम 5 के सारे क्वेश्चन जो डेरिवेटिव से और लिमिट से रिलेटेड है उनको सॉल्व करते हैं. तो एम 4 में आज हम लोग को सीखने का है, एक है प्रोडक्ट रूल. हम लोग को आज जानना है प्रोडक्ट रूल क्या होता है डेरिवेटिव में. तो प्रोडक्ट रूल में क्या है कि मान लेते हैं आपको दो फंक्शन दिया हुआ है, एक है यू और एक है वी, बोथ आर द फंक्शन ऑफ एक्स. तो जब भी डेरिवेटिव करना है प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन, तो एक का डेरिवेटिव करना पड़ता है और एक फंक्शंस को आपको फिक्स रखना होगा. आपने डेरिवेटिव ऑफ यू का किया तो वी फिक्स है, फिर वी आप डेरिवेटिव ऑफ वी करो, यू को फिक्स रखो. तो वन फंक्शंस का डेरिवेटिव एट ए टाइम होता है और सारा फंक्शन जो है वो चुपचाप बैठे रहता है, ठीक है ना. तो डेरिवेटिव ऑफ यू वी फिक्स्ड, देन यू इज फिक्स्ड डेरिवेटिव ऑफ वी. अगर इसी फार्मूला को आप एक्सटेंड करना चाहे यू वी और डब्ल्यू में, तो आप कैसे लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी एंड डब्ल्यू नॉट चेंज, देन यू नॉट चेंज डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन डब्ल्यू प्लस यू वी नॉट चेंज डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आप इसको कभी कभी सिंबल में भी लिख सकते हैं, यू डैश वी डब्ल्यू, देन यू वी डैश डब्ल्यू, देन आप लिख सकते हैं यू वी डब्ल्यू डैश. तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट रूल आता है हमारा कोशेंट रूल. ये भी एक पार्ट है प्रोडक्ट रूल का, ठीक है ना. तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? सपोज़ दो फंक्शन है, एक u और एक v है, तो आपको डेरिवेटिव कैसे लेना? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है माइनस, फिर आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. बस यही दो फार्मूला के ऊपर बेस करके हम लोग को जो है एक्सरसाइज का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है ना. तो पहले हम लोग एक एक करके आते हैं अपने ई टेक्नो बुक से. तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है चैलेंजर्स. तो चैलेंजर्स क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं. चैलेंजर्स यहाँ पर क्वेश्चंस है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. क्वेश्चन नंबर वन, आपको डेरिवेटिव निकालना है ई पावर एक्स साइन एक्स का. तो आप यहाँ पर लिख ले ई पावर एक्स साइन एक्स, इसको आप फर्स्ट फंक्शन ले और इसको सेकेंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन सेकेंड फंक्शन इज अनचेंज प्लस फर्स्ट फंक्शन अनचेंज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन को सिंपली मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देते. तो नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है, साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ से ई पावर एक्स को पहले लिख दे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है. ई पावर एक्स को कॉमन लेने के बाद आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं. ए का पावर 3x साइन एक्स, सॉरी ए का पावर 3x टैन एक्स है यहाँ पर, ए का पावर 3x टैन एक्स, और इसको आपको डेरिवेटिव करना है. तो आप कैसे करोगे? फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव कर दो ए पावर 3x को, तब आप टैन एक्स को एज इट इज रखो प्लस टैन एक्स को डेरिवेटिव करना है और ए पावर 3x को एज इट इज़ रखना है. अब की बार क्या होगा? ए पावर 3x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ आपको लेना है टैन एक्स, ठीक है ना. तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ ए पावर 3x कितना हो जाएगा? ए पावर x की तरह बिहेव करेगा, तो ए पावर 3x लॉग ऑफ बेस a बेस e और 3x का डेरिवेटिव एक 3 आ जाएगा प्लस a का पावर 3x टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x. आप चाहो तो यहाँ से ए पावर 3x कॉमन ले लो या फिर ऐसे ही रख दो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका e का पावर x और 3 का सॉरी a का पावर 3x, e का पावर x और फिर है आपके पास a का पावर 3x.
ए का पावर 3x। नाउ इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्स्ट फंक्शंस का डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई पावर एक्स, देन सेकेंड फंक्शन अनचेंज प्लस ई पावर एक्स को फिक्स करो और डेरिवेटिव ऑफ आपको लेना है ए का पावर 3x। तो डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स कितना होता है, ई पावर एक्स ए पावर 3x एज इट इज। ई पावर एक्स को यहाँ फिक्स करो और ए पावर 3x का डेरिवेटिव है ए पावर 3x लॉग ऑफ ए बेस ई और 3x का डेरिवेटिव 3। आप चाहो तो यहाँ से ई पावर एक्स को कॉमन ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 चैलेंजर पार्ट एक्स स्क्वायर देन 2x माइनस 1 एंड देन 3x प्लस 4, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पर आप देखो एक काम कर सकते हो, दो तरीके से इसको डेरिवेटिव कर सकते हो, आधर सबको मल्टीप्लाई कर दो या फिर यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करो। तो कैसा करना है, एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव लेना है, दोनों को अनटच रखना, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। दूसरा वाला फर्स्ट फंक्शन अनचेंज 2x माइनस 1 का डैश, मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे और लास्ट वाला का नहीं करना है। उसके बाद पहला वाला और दूसरा वाला को फिक्स रखना है, तीसरा वाला का हमको डेरिवेटिव करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और देन 2x माइनस 1 और यहाँ पर 3x प्लस 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव 2 और यहाँ पर 3x प्लस 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 और 3x का डेरिवेटिव 3, 4 का तो 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है। बाकी भाई मल्टीप्लाई का काम आप होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, यहाँ पर दिया है a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स। तो आप देख सकते हो ये u बाई v फॉर्म में है, तो u बाई v फॉर्म का मैंने आपको पहले फार्मूला बता दिया कि आप डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर लेना है, लेने के बाद डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर करना है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ए प्लस एक्स उसका पावर 2, ए प्लस एक्स आ रहा है, वहाँ पर एक्स का वैल्यू जो है डेरिवेटिव माइनस 1 आ रहा है क्योंकि ए का 0 हो गया, तो यहाँ पर माइनस 1। यहाँ पर आप डेरिवेटिव करो, ए प्लस एक्स ए का 0 एक्स का 1 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 1 से ए माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना। तो जैसे आप करोगे माइनस ए माइनस ए माइनस 2a और माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2a बाई ए प्लस एक्स का पावर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है ही नहीं, डायरेक्ट 7 है। तो 7 का लेते हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ u बाई v फॉर्म में है, तो x का क्यूब है 2x है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर है एक्स का स्क्वायर प्लस 4, 2x है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप डेरिवेटिव कर ले न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x और इंटू न्यूमरेटर, तो एक्स का पावर 3 और प्लस 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 उसका पावर 2। मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो 3x का पावर 4 आएगा प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 8 और यहाँ पर माइनस 2x का पावर 4 एंड देन 4 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका पावर आपको 2 लेना। तो नाउ 3x का पावर 4 माइनस 2x का पावर 4, तो x का पावर 4 2x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ 2 और यहाँ पर 12, 14 माइनस 4 ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर। तो यही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, 2x प्लस 1 है और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x। तो आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस x।
तो ये बनेगा आपके पास टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वन बाय कॉस ऑफ एक्स। इसको आप यहाँ से अगर वाई ले ले तो डी वाई डी एक्स। तो हम लोग को क्या करना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं तो फोर एक्स माइनस वन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन एक्स होगा इंटू न्यूमरेटर टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन देन होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो यहाँ से तो कुछ कटने वाला है नहीं, ये माइनस माइनस में सिर्फ प्लस हो जाएगा। आंसर को आप ऐसे ही रख दें, कुछ करने का दरकार नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब जो है क्लासरूम पैकेज आ रहा है। क्लासरूम पैकेज में पहला आपका आ रहा है पर्ल पैकेज। तो पहला आ गया आपका पर्ल पैकेज। पर्ल पैकेज, पर्ल पैकेज में क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन, डेरिवेटिव ऑफ आपको लेना है टू टू द पावर एक्स एंड देन साइन एक्स। तो पहला फंक्शन का तो डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन एंड मल्टीप्लाई विथ सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वन साइन एक्स। तो टू टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव टू टू द पावर एक्स लॉग ऑफ टू बे सी और यहाँ पर है साइन एक्स। टू टू द पावर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। अब मैं आंसर को मैच करा रहा हूँ कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। एक है टू टू द पावर एक्स कॉस एक्स, टू टू द पावर एक्स लॉग एक्स एंड साइन एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग भी जो है ऑप्शंस को जरूर चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर टेन एक्स, इसका आपको डेरिवेटिव बताना है। तो पहला फंक्शंस का डेरिवेटिव करते हैं टू एक्स, दूसरा को फिक्स रखते हैं, फिर एक्स स्क्वायर को फिक्स करते हैं और टेन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आता है। अब इसमें से देख लेते हैं कौन से ऑप्शन करेक्ट, टू एक्स टेन एक्स और एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर तीन पे आ जाते हैं, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस टू का पावर एक्स। तो टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है और टू पावर एक्स का डेरिवेटिव टू पावर एक्स लॉग ऑफ टू बेस ई। ऑप्शन चेक करते हैं, एक सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और एक है टू का पावर एक्स लॉग टू बेस ई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री में आते हैं, अच्छा थ्री तो हो गया है बेटा, फोर पे चलते हैं हम लोग, फोर पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। डी डी एक्स ऑफ कैलकुलेट करना है वन बाय रूट ओवर ऑफ थ्री एक्स प्लस टू। तो इसका वैल्यू क्या आता है, डी डी एक्स ऑफ थ्री एक्स प्लस टू होल पावर माइनस हाफ। तो डेरिवेटिव में मैंने आपको सिखाया था कि एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन बाहर आएगा एक्स वेरिएबल का पावर वन कम हो जाएगा। तो माइनस हाफ ब्रैकेट में थ्री एक्स प्लस टू और पावर माइनस हाफ है तो माइनस वन। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस हाफ थ्री एक्स प्लस टू देन होल पावर माइनस थ्री बाई टू। लेट मी चेक द आंसर, माइनस वन बाई टू किस में आ रहा है देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये थ्री एक्स का डेरिवेटिव में थ्री आएगा तो आंसर होगा आपका फाइनल माइनस थ्री बाई टू। अच्छा ये लोग नीचे लेके गया, वन बाई थ्री एक्स प्लस टू इसका पावर जो है वो थ्री बाई टू आएगा। तो माइनस थ्री बाई टू थ्री एक्स प्लस टू होल पावर थ्री बाई टू। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो बी है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पर्ल पैकेज में, पर्ल पैकेज का सम्स करते हैं, पी ए आर एल पर्ल पैकेज। इसमें से है क्वेश्चन नंबर वन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर वन, डेरिवेटिव ऑफ आपको लेना है ई का पावर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये कैसा आ जाएगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो पहला फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन को अनचेंज करके सेकेंड वाला का डेरिवेटिव टू एक्स। ऑप्शन से मैच करते हैं, यहाँ पर ई पावर एक्स कॉमन लिया गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसका मतलब ये हो जाएगा ई पावर एक्स एक्स प्लस एन एक्स प्लस वन का पावर टू। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज में चलते हैं,
नाउ पर्ल पैकेज में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 में क्या दिया है कि फाइंड आउट करो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन 2x, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 प्लस साइन 2x ये असल में क्या होता है, 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और सारे बच्चे जानते हैं साइन 2x जो है वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। इसका मतलब आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब लिखने के बाद देखिए यहाँ पर एक रूट है तो सिर्फ आ जाएगा आपके पास डी डी एक्स ऑफ, तो आप रफ में उसको सॉल्व कर लीजिए, करने के बाद यहाँ पर बैठा दीजिए तो ये आ रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1, और कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव 0 होता है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया डी डी एक्स निकालना है 2x-3 डिवाइडेड बाई 3x+1 का, 3x+1 का डेरिवेटिव। तो मैंने आपको क्या सिखाया, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कीजिए, 2 आएगा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 3 आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 3 6x+2-6x+9/3x+1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 9 और 2 11 3x+1 का होल स्क्वायर। तो 11/3x+1 होल स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, डी डी एक्स ऑफ आपको दिया गया है लॉग ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको आप कैसे करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, एंड देन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो इसको सिंपलीफाई करने से क्या आ रहा है, 1 तो x आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर 2x log x, और एक आ जा रहा है डिनोमिनेटर में x का पावर 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शंस में क्या दिया है कि ये लोग x कॉमन ले लिया है, एक x को आप कॉमन ले लो, 1 − 2 log of x बाई x का पावर 4। तो ये दोनों काट दो कैंसिल हो जाएगा x3, तो 1 − 2 log x बाई x³। ये वाला ऑप्शन आप बुक्स में देखना, करेक्ट ऑप्शन बी है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ हमारे श्री चैतन्य के जो बच्चे हैं सिर्फ ये उनके लिए है, उनकी बुक्स में ये सारे सम्स है। और मैं श्री चैतन्य का मैथ्स का फैकल्टी हूँ तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे बच्चे मैथ्स और भी अच्छे से सीखे और आगे जाए, और हर टेस्ट में COT में और क्यूमुलेटिव टेस्ट में और सारे टेस्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए। तो अब हम लोग चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, पैसेज टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने दिया गया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कर दे, ये कॉस एक्स होता है, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स से, और एक्स का डेरिवेटिव 1 और इंटू साइन एक्स बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो मुझे ऑप्शन चेक करने दे, x cos x − sin x / x² ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, डी डी एक्स ऑफ e^x/10x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, e^x का डेरिवेटिव सारे बच्चे जानते हैं e^x देन 10x, −10x का डेरिवेटिव sec²x देन e^x देन होल डिवाइडेड बाय tan²x। लेट मी चेक द ऑप्शन, e^x कॉमन ले लिया है लोग, tan²x − sec²x / tan²x, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डी डी एक्स ऑफ x·e^x। तो फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज़ रखो, मतलब डेरिवेटिव कर दो e^x फिक्स, x को फिक्स करके e^x, यहाँ पर e^x उन लोग ने कॉमन ले लिया है तो x+1, इसी के साथ ऑप्शन जो है ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं, एनालाइज टाइप का एक क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, एनालाइज टाइप क्वेश्चन, डी डी एक्स ऑफ x+sin x डिवाइडेड बाई x−sin x। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं x·1 sin x·cos x, और यहाँ पर x − sin x मल्टीप्लाई होगा, माइनस
डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं, वन माइनस साइन एक्स का आपको मिलेगा कॉस एक्स, और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एक्स प्लस साइन एक्स, देन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बस इंटरेस्टेड बच्चे कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, बस ये थोड़ा सा होमवर्क है आपके लिए। अब नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं एम फाइव हमारा ये एग्ज़ाम्स का जो है आखिरी पड़ाव है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को करना है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म एज वेल एज द इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो इसमें मुझे कुछ पेज भी ऐड करने होंगे, वेट बेटा कुछ पेज ऐड कर लेते हैं। मैं बेहद खुश हूँ कि मेरे मैं जो है श्री चैतन्य के लिए और हमारे बच्चे के लिए जो है वो इतने अच्छे सिलेबस का जो है सम्स कंप्लीट कर पा रहा हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे क्वेश्चन डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं M5, ये हमारा टेस्ट का लास्ट जो है टॉपिक है। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को। एक नंबर पढ़ना है पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या आपको पता है पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? पैरामेट्रिक फॉर्म जब दो वेरिएबल आपके पास हो एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है, ये कनेक्टेड है कोई थर्ड वेरिएबल टी से, देन दिस फॉर्म इज़ नोन एज द पैरामेट्रिक फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं फाइव टी है, एक्स जो है टी का फंक्शन है, वाई भी एक टी का फंक्शन है साई टी। अगर इस केस में आपको डेरिवेटिव निकालने दिया जाए कि आप डी वाई डी एक्स निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आप एक्स को डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि आपको पता है एक्स टी का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा फाइव डैश टी। सिमिलरली आप निकाल लो y को विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा साई डैश टी। नाउ अब आप लिख सकते हो dy dx डी एक्स विच इज सेम एज डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू आपको पता है। तो dy dt डी टी का वैल्यू बैठा दो आप लोग साई डैश टी, और इसका वैल्यू है फाई डैश टी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या पता चला कि dy dx अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप दोनों फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके उनका रेशियो ले ले। ये हो गया आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव कैसा कैलकुलेट करना है। दूसरा है इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन किसको बोलते हैं? कि अगर आपके पास एक रिलेशंस है लाइक एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से आप मान लो एग्जाम्पल देते एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो ए को इन टर्म्स ऑफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई में, या फिर वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स में आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा रिलेशंस है एक्स और वाई के बीच में एक इक्वेशन है जहां पर से आप एक्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वाई कम्प्लीटली, और यू कैन नॉट फाइंड आउट वाई, और यू कैन नॉट एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो उस टाइप का जो इक्वेशंस होते हैं ये फंक्शंस होते हैं उसको हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शंस बोलते हैं। तो इम्प्लीसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव का एक रूल्स होता है कि आपको इसी फॉर्म में बोथ साइड को डेरिवेटिव कर देना है। बस यही दोनों कंसेप्ट के ऊपर में अब हम लोग को सम्स को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चले चलते हैं सम्स को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट जो है वो है चैलेंजर्स, पहला पड़ाव चैलेंजर्स। तो स्टार्टिंग करते हैं चैलेंजर्स से। चैलेंजर्स डी वाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया आपको? एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा। नाउ आपको निकालना है व्हाट इज डी वाई डी एक्स। तो मैंने क्या बोला था आपको कि डी वाई डी एक्स कैसे निकालना है? आपको लिखना होगा डी वाई डी टी, तो यहाँ पर टी के जगह थीटा, डी वाई डी थीटा बाई डी एक्स डी थीटा। तो वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो डी वाई डी थीटा इज माइनस साइन थीटा, और डी एक्स डी थीटा एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो कॉस थीटा, तो ये आंसर हो जाएगा माइनस टेन थीटा।
आपको समझ में आ रहा है, बहुत सारे बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो सकता है तो आप इनको तोड़ के करें, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू आपके पास है साइन थीटा, तो आप इसको डेरिवेटिव कर ले डी एक्स डी थीटा, विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। उसके बाद वाई को आप निकाल ले डी वाई डी थीटा, इसका वैल्यू आता है माइनस साइन थीटा। उसके बाद आप डी वाई डी थीटा करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। यहाँ पर है एक्स इज इक्वल टू एटी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू टू एटी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू है एटी क्यूब, वाई इज इक्वल टू एटी क्यूब। तो सबसे पहले आप निकालें डी एक्स डी टी, ये हो जाएगा फोर ए टी। उसके बाद आप निकालें डी वाई डी टी, डी वाई डी टी, क्योंकि वाई टी का फंक्शन है तो टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अब आप निकाल लें डी वाई डी एक्स, विच इज़ इक्वल टू, इसको लिखो आप डी वाई डी टी और इसको डिवाइड दे दो डी एक्स डी टी से। तो डी वाई डी टी कितना हो जाएगा बेटा, थ्री ए टी स्क्वायर बाई फोर ए टी, ए ए कैंसिल, तो आपके पास आएगा थ्री बाई फोर एक टी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं, वेट कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर थ्री। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्स इज इक्वल टू सी टी एंड वाई इज इक्वल टू सी बाई टी। तो अब सबसे पहले इसको डेरिवेटिव करें, तो ये कितना आएगा डी एक्स डी टी, इसका वैल्यू हो जाएगा सी, देन डी वाई डी टी, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस सी बाई टी स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि टी के आप ऊपर लेके जाओ तो माइनस वन आएगा, और माइनस वन आएगा तो माइनस वन इंटू टी टू द पावर माइनस वन माइनस वन, तो माइनस सी बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो डी वाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस सी बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई सी, तो सी सी कैंसिल माइनस वन बाई टी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर ये क्या है, एक्स इजिकल टू, एक्स इजिकल टू है यहाँ पर थ्री ए टी बाई ए प्लस टी का क्यूब। ठीक है, तो पहले हम लोग डी एक्स डी टी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो डी एक्स डी टी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव थ्री ए इंटू डिनोमिनेटर, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव थ्री टी स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर वन प्लस टी क्यूब होल पावर टू। आंसर क्या आएगा, थ्री ए प्लस थ्री ए टी का क्यूब, यहाँ पर क्या आ जाएगा थ्री ए टी का क्यूब, ये दोनों कैंसिल, और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास वन प्लस टी का क्यूब होल स्क्वायर, देन थ्री ए बाई वन प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं डी वाई डी टी, तो वाई का वैल्यू देख लेते क्या है, वाई इज इक्वल टू दिया है थ्री ए टी स्क्वायर बाई वन प्लस टी का क्यूब। तो यहाँ से आप निकाल ले डी वाई डी टी, विच इज़ इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करना होगा, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सिक्स ए टी मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर माइनस थ्री ए टी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये बना आपका सिक्स ए टी प्लस सिक्स ए टी का पावर फोर माइनस थ्री इंटू थ्री नाइन ए टी का पावर फोर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी का क्यूब पावर टू। तो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, यहाँ से आप लोग देखें यहाँ पर जा रहा है सिक्स ए का ए टी और माइनस थ्री ए टी का पावर फोर डिवाइड बाई वन प्लस टी का क्यूब पावर टू। तो नाउ देयर फोर आवर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी टी, मतलब सिक्स ए टी माइनस थ्री ए टी फोर डिवाइडेड बाई वन प्लस टी का क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री ए वन प्लस टी का क्यूब होल स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल। अगर आप यहाँ पर थ्री ए से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा टू टी माइनस थ्री ए से डिवाइड कर दो तो टी का पावर फोर, ये आपका आंसर आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, गेम को और आगे बढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर फाइव में पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव।
एक्स इज इक्वल टू वन बाय वन माइनस टी का स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू वन प्लस टी का स्क्वायर। तो नाउ कैलकुलेट करते हैं डी एक्स डी टी, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन बाय वन माइनस टी का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू माइनस टू टी। नाउ डी वाई डी टी निकालते हैं, डी वाई डी टी विल बी टू टी, देयर फोर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी टी दैट मीन्स टू टी डिवाइडेड बाई माइनस माइनस में प्लस टू टी बाई वन माइनस टी का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, आपका आंसर आ गया वन माइनस टी का स्क्वायर होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये कौन सा फॉर्म में आ गया है, ये हो गया इम्प्लिसिट फॉर्म, ये हो गया इम्प्लिसिट फॉर्म। इससे पहले हम लोग जो भी किए ये सब पैरामेट्रिक फॉर्म था, क्वेश्चन नंबर वन से लेके फाइव तक पैरामेट्रिक फॉर्म, इसके बाद आ रहा है आपके पास इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट फॉर्म आ गया है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये इम्प्लिसिट नहीं है, सॉरी एक्सप्लिसिट है, मतलब आप यहाँ पर एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिख सकते हो या फिर वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। तो चलो इसको डेरिवेटिव करते हैं, टू एक्स बाई ए स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव टू वाई डी वाई डी एक्स बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। आपको करना क्या है, आप यहाँ से टू कॉमन लेके काट लो, वाई बाई बी स्क्वायर डी वाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। तो फिर यहाँ से आप लिख सकते हो डी वाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई वाई, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर सेवन में चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स वाई एंड देन थ्री वाई, यहाँ से डी वाई डी एक्स आपको बताना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव टू एक्स, वाई स्क्वायर का डेरीवेटिव टू वाई, यहाँ से टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो एक्स का डेरीवेटिव आप करेंगे वन, वाई का नहीं करना है, फिर एक्स को नहीं करना है, वाई का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री इंटू सिर्फ वाई है तो डी वाई डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दे टू वाई प्लस टू एक्स डी वाई डी एक्स, और यहाँ से आप रखे थ्री डी वाई डी एक्स, सारे डी वाई डी एक्स के टर्म को, अच्छा यहाँ पर एक डी वाई डी एक्स होता है, तो सारे डी वाई डी एक्स वाला टर्म को एक जगह रखना है, तो यहाँ टू एक्स माइनस टू वाई, और यहाँ पर आपको डी वाई डी एक्स कॉमन ले ले, तो यहाँ से टू एक्स प्लस थ्री और यहाँ से माइनस टू वाई आ जाएगा। तो देयर फोर आवर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू वाई डिवाइडेड बाई टू एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री। अभी रात को 4:30 हो रहे हैं, मैं सम्स कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर कोई मिस्टेक हो जाए, सिली मिस्टेक हो जाए या फिर कुछ लिखने में साइन गड़बड़ हो जाए तो आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, मुझे बता देना कि सर यहाँ पर मिस्टेक हो गया, या फिर आप रेक्टिफाई कर सकते हो तो खुद ही कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं रात भर जाग के ये मैथ कर रहा हूँ, आज नींद नहीं आ रहा है, तो सोचा चलो एम फोर और फाइव को अपलोड करते हैं। यहाँ पर से भी आप एक्स को वाई के टर्म में नहीं लिख सकते, वाई को एक्स के टर्म में नहीं लिख सकते, इम्प्लिसिट फंक्शन है, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के लिए आपके पास आ जाएगा थ्री वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, और यहाँ पर थ्री ए एक्स के लिए आपको वन मिलेगा, वाई को एज इट इज़ रखे और फिर एक्स को फिक्स करके डी वाई डी एक्स कर दे, ठीक है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे थ्री ए वाई और यहाँ पर थ्री ए एक्स डी वाई डी एक्स, सारे डी वाई डी एक्स के टर्म को एक जगह रखना है, तो यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए वाई, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स कॉमन ले ले, थ्री ए एक्स माइनस थ्री वाई स्क्वायर, तो देयर फोर डी वाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से थ्री कॉमन ले ले आप एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और लोअर पार्ट से भी थ्री कॉमन ले ले तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर नाइन पे मूव करते हैं, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ वाई इज इक्वल टू फोर। नाउ रूट एक्स का डेरिवेटिव वन बाई टू रूट एक्स, वाई के जगह में वन बाई टू रूट वाई, और वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आएगा वन बाई टू रूट एक्स
इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू रूट वाई डी वाई डी एक्स। अब यहाँ से क्या करना है, ये टू कैंसिल कर दें, तो देयर फोर रूट ओवर ऑफ वाई बाई रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस विच इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जब तक आपका ये चैलेंजर्स ख़त्म नहीं होता, एमसीक्यू स्टार्ट नहीं होगा, तो एक्स का पावर 2/3 प्लस वाई का पावर 2/3 और ए का पावर 2/3। तो एक्स का पावर 2/3 है, डेरिवेटिव करो, एक्स का पावर 2/3 माइनस वन, तो 2/3 माइनस वन, 2 माइनस 3, इसका मतलब -1/3। यहाँ से भी सेम आएगा 2/3 वाई का पावर -1/3 डी वाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। ये पार्ट 0 हो गया। नाउ 2/3 कॉमन लेके काट दो, तो अब आंसर क्या आ जाएगा इसका, एक्स को वो साइड भेजते हैं तो एक्स का पावर -1/3, वाई को नीचे कर देते हैं, वाई का पावर -1/3 दैट इज़ डी वाई डी एक्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस वाई का पावर 1/3 एक्स का पावर 1/3 पॉजिटिव करके डी वाई डी एक्स, इट इज़ योर चॉइस, या फिर आप ऑप्शन देख लेना, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11, ओके ना, क्वेश्चन नंबर 11 में लिख लूँ पहले। नाउ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो नाउ आपको इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2ax प्लस 2h, x को फिक्स करें, y को डेरिवेटिव करें, फिर y को फिक्स कर दे और x का 1 कर दे, 2by डिवाइड dx, उसके बाद ले आप 2gx के लिए 1, 2fy के लिए डी वाई डी एक्स, और c का आपका 0 हो गया, ठीक है ना। अब जो भी डी वाई डी एक्स वाला टर्म है उसको एक साथ रखें, तो ये हो गया 2ax 2hx डी वाई एक्स, और यहाँ से आ रहा 2hy 2by डी वाई डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, 2g देन 2f डी वाई डी एक्स इजिकल टू 0। तो नाउ मुझे टर्म मिल रहा है 2ax 2hy 2g, ये सब एक साथ रखो, और डेरिवेटिव वाला टर्म एक साथ रखना है, तो वहाँ ले जाके माइनस कॉमन ले लेते, 2hx 2by एंड देन 2f देन डी वाई डी एक्स। तो अब इसके बाद आप निकाल लो डी वाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, यहाँ से 2 कॉमन लेने से ये h होगा, ये दिखने में अजब सा हो गया, इसको एच एक्स करो, हाँ यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, ए एक्स प्लस एच वाई और प्लस जी, ये दोनों ख़त्म, कैंसिल कर देते। चलो भाई अब ज़रा हम लोग के पड़ाव आसान हुए, पल पैकेज आ गया, हमारे चैतन्य के पर्ल पैकेज आने का मतलब एमसीक्यू स्टार्ट, पर्ल पैकेज, लकी हो, लकी है वो बच्चे जो श्री चैतन्य में पढ़ रहे हैं, अभी से इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कंसेप्ट उनको सीखने को मिल रहा है, फ्यूचर में ऐसे ही बच्चे जो है बहुत ही आसानी से आईटी वगैरह क्रैक कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या सिखाया था आपको, पहले पावर के लिए डेरिवेटिव करें, एन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर एन माइनस वन इंटू अंदर का पार्ट का डेरिवेटिव कर दे 2x। तो अब मुझे आंसर को मिलाने दे, 2xn एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी मैच कर गया, और पावर n माइनस वन ऑप्शन बी है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। x का वैल्यू दिया है a sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, y का वैल्यू दिया है b tan स्क्वायर थीटा, अब पूछ रहा है डीवाई डी एक्स बताओ, तो सबसे पहले आप डी एक्स डी थीटा निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 2a sec थीटा, और बेटा sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा। अब निकालो आप डी वाई डी थीटा, तो नाउ y को तो मैं y रखूँगा, डी वाई डी थीटा, b फिक्स है, tan थीटा के लिए 2b tan थीटा, और tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर थीटा, तो देयरफॉर डी वाई डी एक्स, पहले आप y वाला टर्म को ऊपर कर दो, 2b tan थीटा
मल्टीप्लाई विथ सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2a sec थीटा sec स्क्वायर थीटा एंड देन tan थीटा। तो बेटा tan थीटा तो गया, sec स्क्वायर थीटा भी गया, ये सब चले गया, b बाई ए आंसर हुआ। मुझे चेक करने दो b बाई है कि नहीं। यस b बाई है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। ये तो हाइपरबोला इक्वेशन दे दिया, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, और बोला है आप डेरिवेटिव निकालो इसका। तो फर्स्ट फंक्शन को अनचेंज कर दो, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड अनचेंज, डेरिवेटिव ऑफ वन कॉन्स्टेंट का जीरो। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये बेटा ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पर्ल पैकेज। अच्छा इमरल्ड पैकेज, यहाँ पर देख लेते, कोई मैट्रिक्स मैच दीजिए है ना क्या, नहीं मैट्रिक्स मैच तो कुछ दिया ही नहीं है। अच्छा इसका पहले का जो मैंने सॉल्व करवाया था M4, ठीक है ना, उसमें से अगर कोई मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट हो तो उसको ज़रा सा आप लोग देख लेना, मैं तो एक ही ऑप्शंस को करेक्ट करके आ गया हूँ, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 इमरल्ड पैकेज में जाना है। इमरल्ड का क्वेश्चन नंबर 1, डी डी एक्स ऑफ निकालना है आपको 2x² प्लस 5x प्लस 5 पावर 3 है। तो सबसे पहले पावर के लिए डेरिवेटिव कर दो, 3 पूरा चीज़ सेम रखो, पावर 2, तो यहाँ पर 2x² प्लस 5x प्लस 5, और अंदर का डेरिवेटिव करो तो कितना होगा 4x प्लस 5। अब देखो बेटा ये आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, मुझे चेक करने दो। 3 × 2x² प्लस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर 4x प्लस 5, आंसर तो आपका ए के साथ मैच कर गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है ऋषभ, तो होप ऋषभ को ये क्लास काफ़ी मज़ा आया होगा क्योंकि इसमें सारा आंसर मैंने बता दिया है, वो सिर्फ ऑप्शंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऋषभ आप रियली में इस क्लास को एंजॉय करोगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के साथ साथ सारे ऑप्शंस को भी मार्क कर दे रहा हूँ। एक्स का वैल्यू थीटा माइनस 1/थीटा है, वाई का वैल्यू है आपके पास थीटा प्लस 1/थीटा। फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई डी एक्स। तो सबसे पहले आप डी एक्स डी थीटा निकाल लो, इसका वैल्यू होता है 1 − 1/θ². फिर आप निकाल लो डी वाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 − θ². नाउ डी वाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 − 1/θ², 1 + 1/θ² विच इज़ इक्वल टू θ² − 1/θ² प्लस 1। लेट मी चेक द आंसर, क्या इन लोग ऐसा कुछ आंसर दिया है। अच्छा θ² − 1 इसका जो वैल्यू है वो x आ जाएगा, और θ² + 1 इसका वैल्यू y आ जाएगा। अगर आप इसको ऊपर नीचे थीटा से डिवाइड कर दें, मतलब θ² अगर डिवाइड करते हैं, हाँ ऊपर नीचे अगर आप थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो θ − 1/θ ये हो जाएगा x, और θ + 1/θ ये हो जाएगा y। तो आंसर आएगा x/y, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 का पावर x है, 2 का पावर y इज इक्वल टू 2 का पावर x + y, डेरिवेटिव बताना है। तो 2 का पावर x का डेरिवेटिव होता है 2 का पावर x log ऑफ 2 base e, और यहाँ पर होगा 2 का पावर y log ऑफ 2 base e, एंड देन y का डेरिवेटिव dy/dx, यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर x + y log ऑफ 2 base e, और x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है ना। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया 2 का पावर x log 2। अच्छा log 2 सभी में, एक काम करते हैं log 2 कॉमन लेके log 2 को कैंसिल कर दो, log 2 जब सभी में है ना, log 2 को कैंसिल कर देते हैं सब तरफ से, ठीक है। log 2 लेफ्ट और राइट साइड में log 2 से डिवाइड, तो ये log 2 कैंसिल, ओ यहाँ पर log y है, नहीं होगा, चलो ऐसे ही रखते हैं। तो ये हो गया 2 का पावर x, और यहाँ से log 2 base e, यहाँ पर आ रहा 2 का पावर y log ऑफ 2 base e, एक dy/dx आ रहा है,
राइट साइड में आपके पास है 2 का पावर x प्लस वाई लॉग ऑफ 2 बेस सी और 2 का पावर x प्लस वाई, ठीक है ना, 2 का पावर x प्लस वाई लॉग 2 बेस ई इंटू डी वाई डी एक्स। अब करना क्या है कि डी वाई डी एक्स को एक जगह ला के कॉमन, तो डी वाई डी एक्स लेके आते एक जगह और कॉमन ले लेते लेफ्ट हैंड साइड में ला के। तो जैसे आप लेफ्ट साइड में ला के कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग 2 भी आप कॉमन ले लो और 2 का पावर वाई भी कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 2 का पावर एक्स, क्योंकि 2 का पावर वाई बाहर है, लॉग टू बेस ई बाहर है, डी वाई डी एक्स बाहर है, तो यहाँ पर ये बच गया। यहाँ से आप कॉमन ले लो 2 का पावर एक्स, आप चाहो तो कॉमन ले लो 2 का पावर एक्स कॉमन ले लो, लॉग ऑफ 2 आप कॉमन ले सकते हो बेस ई, तो यहाँ पर बचेगा 2 का पावर वाई माइनस 1, तो लॉग टू बेसी कैंसिल, देयर फोर डी वाई डी एक्स ये आपके पास आ रहा है 2 का पावर एक्स 2 का पावर वाई माइनस 1, यहाँ पर आ रहा है 2 का पावर वाई 1 माइनस 2 एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं कुछ मैच कर रहा है या नहीं। टू का पावर एक्स माइनस वाई दिया है, आई थिंक यहाँ पर कुछ वेरिएबल में मैंने गड़बड़ किया है, वेट ये वाला टर्म भी कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का पावर वाई कॉमन लिए एक्स बचा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिए तो वाई बचा, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, ये 2 का पावर एक्स माइनस वाई आ रहा है। अगर ये मल्टीप्लाई कर दे तो एक होगा 2 का पावर एक्स, एक 2 का पावर वाई, ऑप्शन देखते हैं। 2 का पावर x प्लस वाई बाहर, लॉग 2 बेस वाई, x का 1, y के लिए dy dx, देख लेते कहीं गड़बड़ी तो नहीं किया कुछ, dy dx लॉग 2 बेस ही कॉमन, तो यहाँ से अच्छा इसको मैंने यहाँ पर लाया है लॉग 2 बेस वाई, तो ये मेरा 1 हो गया, और यहाँ से 2 का पावर x बचा, यहाँ से 2 का पावर x log 2 बेस ई कॉमन 2 का पावर y माइनस 1, यस आंसर तो कुछ ऐसा आ रहा है जो बुक के आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शायद उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको एक बार और देखते हैं, बाद में उसको सॉल्व करते हैं। नाउ इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x वाई फिक्स, फिर एक्स स्क्वायर रखते हैं, वाई के लिए डी वाई डी एक्स कर देते हैं। यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 वाई स्क्वायर रहेगा, फिर x को फिक्स करके वाई स्क्वायर का 2y dy dx इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dy dx कॉमन, और यहाँ से बच रहा आपके पास एक वाई स्क्वायर और एक 2xy विच इज़ इक्वल टू 0। तो नाउ वी कैन राइट dy dx इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप y कॉमन लेंगे तो y प्लस 2x एक आ जाएगा नेगेटिव के साथ, और यहाँ पर अगर x कॉमन ले लेते तो x प्लस 2y, ऐसा कुछ सीन बन रहा है, तो माइनस वाई बाई एक्स 2x प्लस वाई एक्स प्लस 2y, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो मूव करते हैं डायमंड पैकेज के साथ, डायमंड पैकेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, और वाई का वैल्यू दिया है ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, आपको क्या बताना है डी वाई डी एक्स। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का सम्स है, बहुत इजी सम्स है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, डी एक्स डी थीटा निकाल लो, ए थीटा के लिए 1, साइन थीटा के लिए कॉस थीटा, डी वाई डी थीटा निकालो, ए फिक्स 1 के लिए 0 और माइनस कॉस थीटा के लिए प्लस साइन थीटा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव में नेगेटिव आता है, तो ये इम्प्लाई करेगा डी वाई डी एक्स जब लेंगे तो
तो ऊपर में आएगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो आप यहाँ से ए और ए कैंसिल कर दो, साइन थीटा, अच्छा आंसर जो है ये थीटा बाई टू के फॉर्मेट में है, तो आप इसको ब्रेकअप कर दो, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ब्रेक कर देते हैं। इसका फॉर्मूला है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो एक साइन थीटा बाई टू नीचे में बच रहा है और एक कॉस थीटा बाई टू न्यूमरेटर में, तो कॉट थीटा बाई टू आ रहा है, कॉट थीटा बाई टू आंसर में है, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू, ये भी पैरामेट्रिक का ही फॉर्म है, एक्स इज इक्वल टू ई टी ई पावर टी कॉस टी प्लस साइन टी। इसको पहले डेरिवेटिव करते हैं डी एक्स डी टी, तो पहला फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया ई पावर टी और दूसरा जो फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक वाला उसको फिक्स रखते हैं, फिर ई पावर टी को फिक्स करके दूसरा वाला का करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक, तो कॉस के लिए माइनस साइन आएगा, साइन के लिए कॉस आ जाएगा। यहाँ से अगर आप ई पावर टी कॉमन लेंगे तो साइन और साइन कैंसिल, कॉस टी दो बार आ रहा है, टू कॉस टी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं वाई के लिए, वाई इज इक्वल टू है ई पावर टी ब्रैकेट में कॉस ऑफ टी माइनस साइन टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई डी टी विच इज इक्वल टू ई पावर टी, तो पहले आप फिक्स कर दो, इसका डेरिवेटिव करेंगे ई पावर टी आएगा, तो देन कॉस टी माइनस साइन टी हो जाएगा। उसके बाद ई पावर टी का फिक्स करके कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी और माइनस साइन टी का डेरिवेटिव माइनस कॉस टी ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आएगा ई पावर टी कॉमन ले लेने से कॉस टी कैंसिल साइन टी और साइन टी, तो टू साइन टी विथ नेगेटिव साइन। तो इसका आंसर को यहीं कर देते हम लोग, डी वाई डी एक्स चाहिए अपन को, तो अपन क्या लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स को माइनस टू ई टी साइन टी डिवाइडेड बाय, और इसका क्या निकला था टू ई कॉस टी, तो आप देख सकते हो माइनस टेन टी आ रहा है, ठीक है ना, माइनस टेन टी। लेट मी चेक ये कितना नंबर है, दो नंबर, माइनस टेन टी, यस ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन, बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सम्स में जाते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये है क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्स इज इक्वल टू ए टू कॉस थीटा प्लस ए टू कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा, ये एक्स का वैल्यू है, वाई का वैल्यू है ए टाइम्स ऑफ टू साइन थीटा और प्लस साइन टू थीटा, ऐसा कुछ दिया, ठीक है ना। आपको कैलकुलेट क्या करना है, डी वाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। चलो डी एक्स डी थीटा पहले निकालते हैं, तो ये कैसा आएगा ए, अच्छा टू कॉस थीटा ये हो जाएगा माइनस टू साइन थीटा, कॉस टू थीटा ये हो जाएगा माइनस टू साइन टू थीटा, डी वाई डी थीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए फिक्स है, तो टू साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा और यहाँ पर साइन टू थीटा का टू कॉस टू थीटा, क्या कैलकुलेट करना है डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी थीटा ए टू कॉस थीटा देन टू कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय टू साइन टू थीटा। यहाँ से ए और ए कैंसिल कर देते हैं ना, माइनस को बाहर ले लेते हैं, टू भी कट जाएगा, तो व्हाट वी हैव कॉस थीटा, अच्छा एक माइनस को बाहर ले लेते हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा और लोअर पार्ट में साइन थीटा प्लस ऑफ साइन टू थीटा। अब इसका फॉर्मूला में ब्रेकअप कर देते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू थीटा बाई टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो क्या बन रहा आपके पास माइनस कॉट थ्री थीटा बाई टू, क्या ये ऑप्शन में है माइनस थ्री कॉट थीटा बाई टू, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर पे, क्वेश्चन नंबर फोर कर लेते हैं,
नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। यहाँ पर है एक्स प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है जिसका वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। डी वाई डी एक्स निकालना है, तो आप सबसे पहले लिखो 2x + y पावर के लिए, देन वेरिएबल के लिए 1 + dy dx, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2ax + 2by, देन यू हैव dy dx। नाउ सारे 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, 2 2 कैंसिल। अब यहाँ पर एक है x + y (1), देन x + y (dy dx), देन ax + by dy dx। नाउ यहाँ पर अगर कॉमन ले लेते हैं तो x + y - ax, और यहाँ पर आ जाएगा by - x - y (dy dx). तो यहाँ से हम लोग इजीली dy dx को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो dy dx विल बी इक्वल टू x + y - ax, ठीक है ना, x + y - ax डिवाइडेड बाय by - x - y। लेट मी चेक द ऑप्शन। इन लोग यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ax - x - y, और नीचे वाला को मल्टीप्लाई करो x + y - by। यस, ये मैच कर गया b के साथ, ठीक है ना, ये मैच कर रहा है बी के साथ, क्लियर। और तो कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, x + y (whole power m+n) विच इज इक्वल टू x + m (y+n). ये क्वेश्चंस को आसानी से कर सके अगर आप दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लॉग लेने से m + n (log(x+y) = m(x + n)(log(y). अब इसका सिंपल डेरिवेटिव करते हैं m + n, और ये हो गया x + y (log(x)(1/x) इंटू ये पार्ट का डेरिवेटिव 1 + dy dx। m फिक्स log x का डेरिवेटिव 1/x, n फिक्स log y का डेरिवेटिव 1/y (dy dx). तो नाउ अब मल्टीप्लाई कर देते हैं m + n, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x + y, देन अगेन m + n, ये लोअर पार्ट में x + y (dy dx). यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास, m/x + n/y (dy dx). तो सारे dy dx को एक जगह रखना है, तो ये होगा m + n (x + y) - m/x, विच इज इक्वल टू dy dx अगर कॉमन ले ले तो यहाँ से आएगा ny - m+n (x + y). नाउ अब LCM करते हैं, तो x + y (x), तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, mx + nx - यहाँ से x कट गया, तो my - mx, ठीक है ना। इसको जरा सा सही से लिखना है, my - mx आ रहा है, my - mx। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आ रहा है y (x + y), देन nx + ny - my - ny। तो नाउ इट विल बी mx कैंसिल, यहाँ से x + y कैंसिल, यहाँ से क्या कर रहा है ny कैंसिल। तो नाउ व्हाट वी हैव, यहाँ पर एक बच रहा है nx - my, लोअर पार्ट में x, यहाँ पर बचा है nx - my (dy dx), और डिनोमिनेटर में एक y बच रहा है, तो ये यहाँ से कैंसिल। तो नाउ y/x इज़ द आंसर ऑफ dy dx, तो dy dx का आंसर y/x आएगा।
वाई बाई एक्स ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं हम लोग एनालाइज पैकेज। तो क्वेश्चन नंबर वन ये एनालाइज है, ठीक है ना, एनालाइज पैकेज। तो इसमें क्या करना है, y का वैल्यू दे दिया आपको रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ x, ऐसा करके इन्फिनिटी तक है। देन प्रूव दैट 2y माइनस 1 डिवाइड x इज इक्वल टू 1। तो आप इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, एक तो x तो एटलीस्ट बाहर आ ही जाएगा रूट से। ये जो सारा टर्म है इसी को हम लोग y माने थे, है ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई आ गया। अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों तरफ, तो 2y dy dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy dx। dy dx को एक जगह रखते हैं तो 2y माइनस 1 dy dx विच इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड विच इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हम लोग का M5 भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से 27th को COT देंगे और बहुत ही बढ़िया मार्क्स उन लोग लाएंगे। नेक्स्ट टाइम आप लोग को पहले से सारा चीज़ जो है वो प्रैक्टिस के लिए मैं अपलोड कर दूंगा। जो भी आपको क्वायरीज है, जो भी डाउट है, वो आप क्लास में मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और हमारे श्री चैतन्य के लिए मैं टेक्नो सिलेबस के ऊपर में एक अलग से जो है यूट्यूब में अपना प्लेलिस्ट फॉर्म करने वाला हूँ, वहाँ पर सारे बच्चे को जो है अपना क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, क्लासेस लिखे हुए रहेंगे। आप उम्मीद करते हैं ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस सेशन। ओके बाय, आज का क्लास यहीं एंड करते हैं।